मूवी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वे चार लोग होते हैं, वे उस जगह कैंपेनिंग भी कर रहे होते हैं। फिर ट्रे आग जलाने के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल में चला जाता है। सोफी और एलेक्स वहीं पर बात कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर ब्रांड आ जाता है। एलेक्स देखती है कि उसके साथ ट्रेस नहीं होता और वह उसको ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। सोफी और ब्रांड वहाँ पे अकेले होते हैं। तभी उनके पीछे से एक तीर आता है जो कि ब्रांड के हाथ में से आर पार हो जाता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तभी एक और तीर आता है जो कि सोफी के आँख के आर पार हो जाता है और वहीं पर सोफी की मौत हो जाती है। इसे देख कर ब्रांड वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वह थ्री फिंगर आदमखोर सोफी की आँख खा रहा होता है। इतनी देर में ट्रे भी वहाँ पर लकड़ियाँ लेकर पहुँच जाता है। वह आदमखोर उस पर भी अटैक कर देता है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागता है, लेकिन वह आदमखोर उसको भी पकड़कर बुरी तरीके से मार देता है। और ब्रांड भी इनके ट्रैप में फंसकर इनका शिकार बन जाता है और उन दोस्तों में से सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को दिखाया जाता है जिनके कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर करना होता है। ये ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी तीन पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। वह टोटल कैदी पांच होते हैं। उन कैदियों में से उनका एक हेड था जो ट्रांसफर उसकी वजह से ही हो रहा होता है। ये ट्रांसफर दो हफ्ते बाद होने वाला था, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि उसके कोई आदमी हाईजैक कर लेंगे और उन लोगों को छुड़ा लेंगे। इसी वजह से उन्होंने उसी वक्त इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और साथ में अपने जाने का रूट भी चेंज कर दिया। उनका नया रूट वो खतरनाक रास्ता था जो कि पेपर मिल रोड की तरफ था। फिर वह सभी कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ पर चल पड़ते हैं। रास्ते में वह एक पुलिस स्टेशन में रुकते हैं, जिस पुलिस स्टेशन के बाहर वह आदमखोर दिखाए जाते हैं। उनमें से एक थ्री फिंगर होता है और एक बच्चा जो कि पिछली मूवी में थ्री फिंगर फीट कर रहा था वही आदमखोर होता है। फिर भी वह ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह ट्रैप को सेटअप कर रहा होता है, लेकिन ट्रैप बनाते हुए वह खुद गिर जाता है, लेकिन थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है। फिर ट्रैप को बिल्कुल सेटअप करके वहाँ से चले जाते हैं। वह लोग पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद जर्नी में चल पड़ते हैं। देखते हैं कि पेपर मिल रोड पर चलते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। वह थ्री फिंगर वो आदमखोर होता है। वो ट्रक के टायर में एक रेजर वायर फंसाकर उसको पंचर कर देता है। इसके कारण वह बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर आदमखोर उसे ट्रक से नीचे उतरकर देखने के लिए जाता है। वह उस वक्त उन पर हमला नहीं करता। फिर पुलिस ऑफिसर सब कैदियों को बाहर निकालता है। फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर पीछे से गन ताक देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, एक चाकू आकर उसकी गर्दन पर लग जाता है, जिसके कारण वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सबको लगने लगता है कि ये कैदी चावेस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन तभी ही चावेस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाता है। इससे वह लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये चावेस के आदमी नहीं कर रहे हैं। चेविस पुलिस ऑफिसर नेट से कहता है कि वह सबकी हथकड़ी खोल दे। पुलिस ऑफिसर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरीके से आग लग चुकी थी, वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी बस के अंदर ही होता है। फिर जब नेट चाबी लेने के लिए बस के अंदर जाता है, वह सही वक्त पर वॉल्टर को निकाल देता है, लेकिन चाबियां पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। फिर भी चेविस उसे नहीं मारता, उसे लगता है कि नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। भी वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि नेट पर अटैक कर देती है। ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। एलेक्स उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर आदमखोर रहते हैं जो कि लोगों को मार कर उनको खा जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो उन्हें अपनी राफ्टिंग के बारे में बता चुकी थी, जिस पर चेविस कहता है कि वो उन्हें अपनी लोकेशन पर लेकर चले। एलेक्स उन्हें उसी लोकेशन पर ले जाने लगती है। रास्ते में उन्हें एक बस दिखाई देती है, बिल्कुल उल्टी होती है और पीछे से लॉक होती है। चेविस नेट को चेक करने के लिए भेजता है, जहाँ पर उसको गन और चाबी मिलती है। वह एक गन वॉल्टर को दे देता है और जब कैदी बस को चेक करते हैं तो वह देखते हैं कि ये तो पैसों से भरी हुई है। ये सारे पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। चेविस उन्हें दो दो बैग वहाँ से उठाकर जाने को कहता है और सभी लोग दो बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था, वो बैग नहीं उठा सकता था, जिस पर चेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। तभी मौका देखकर वॉल्टर चेविस पर गन ताक देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर गोलियां नहीं होती। लेकिन इस बात के लिए चेविस उसे माफी नहीं देता, सीधा उसके सर पर गोली मार देता है, जिस पर नेट कुछ भी नहीं कर पाता। चेविस सबसे आगे बढ़ने को कहता है। सबसे आगे एलेक्स होती है, क्योंकि वो ही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए एकदम से उसका पैर
ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। ये वही ट्रैप होता है जो कि थ्री फिंगर आदमखोर ने सेटअप किया हुआ था। वो यही छुपकर बैठा हुआ होता है। वो एकदम से बाहर आ जाता है और इन लोगों पर अटैक करने लगता है, लेकिन चैविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। फिर एलेक्स उन्हें बताती है कि वो वाला आदमखोर नहीं है। तभी चैविस को एक आइडिया आता है और वह थ्री फिंगर आदमखोर के लिए कोई क्ल्यू छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। जब थ्री फिंगर आदमखोर वहां पर पहुंचता है तो उसे अपने साथी का सर एक लकड़ी में टंगा हुआ मिलता है, जिसे देखने के बाद वह एकदम से बौखला जाता है, यानी वह पहले से भी ज्यादा अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे चैविस पकड़ लेता है। तभी वह समझ जाते हैं कि ये उनके द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है और विले चैविस को आगे धकेल कर उसको बचा लेता है। चैविस को बचाने के चक्कर में वह अपने ही जान से हाथ धो बैठता है और चैविस उसे जान बचाने के बदले उसकी टांग ही काट देता है, क्योंकि विली उनसे चैन से बंधा हुआ था वह अलग हो सके। इसके बाद वह लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्यूटी लेन को कुछ दिन गायब हुए चार स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वह टेंशन में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह लोग चलते चलते एक ओल्ड कैबिन की तरफ पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से वह अपनी चेन्स को काटते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर थ्री फिंगर आदमखोर का ट्रक होता है। हालांकि सबको समझ में आता है कि ये उनके द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है, चैविस फिर भी कैदी क्रैफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वह थ्री फिंगर आदमखोर के ट्रक के पास जाता है, आदमखोर उसे अपने रेजर वायर पर फंसाकर आगे ले जाता है और ट्रक को पूरी स्पीड से चलाकर उस कैदी के सर को जमीन पर रगड़ता है और वह इतनी देर तक घसीटता है कि तब तक वह मर ना जाए। तभी पीछे से मौका देखकर एक कैदी चैविस पर हमला कर देता है और एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। फिर चैविस उस आदमी को इतना मारता है कि वह अधमरा हो जाता है। फिर शेरिफ वहां पर पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। फिर ये करने के बाद शेरिफ अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने निकलता है। ब्रैंडन चैविस से कहता है कि उन्हें यहीं पर पैसे छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। चैविस उसकी बात मान लेता है और पैसे को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है और आखिरकार वह नेट को ढूंढ लेते हैं। चैविस उसे मारने वाला ही होता है, तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ पर पहुंचकर वह किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैविस उसे आखिरी मौका देता है, फिर नेट उसे वहां पर लेकर जाता है। जैसे ही वह सब लोग वहां पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि वॉच टावर बुरी तरीके से जलकर पूरा राख हो चुका है। इसे वो तीनों आदमखोरों ने जला दिया था। वहां पर कुछ ना मिलने पर चैविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। शेरिफ भी सही वक्त पर वहां पे पहुंच जाता है और उन लोगों को वहां से ले जाता है। तभी पेड़ पर आदमखोर बैठा हुआ होता है, वह एक रॉड फेंकता है जो कि सीधे शेरिफ के मुंह पे घुस जाता है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर चैविस शेरिफ की गन ले लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसको ऑर्डर देता है। फिर वह अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। फ्लड सारा पैसा लेकर वहां से भाग रहा होता है, तभी चैविस को उसकी आवाज आ जाती है। वो फ्लड की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच थ्री फिंगर आदमखोर एक मोलाटॉप फेंक कर उसे जला देता है और उसके साथ साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। फिर सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर से थ्री फिंगर आदमखोर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। फिर चैविस एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देता है और थ्री फिंगर आदमखोर आकर एलेक्स को उठाकर ले जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन चैविस उसे पकड़ लेता है और उसे शूट करने वाला ही होता है। तभी ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। फिर थ्री फिंगर आदमखोर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है। वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी दिखती है, क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है। इतनी देर में चैविस वहां आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर आदमखोर वहां पर पहुंच जाता है। फिर उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। चैविस थ्री फिंगर आदमखोर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि पहचान में नहीं आता। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर आदमखोर उस पर हावी हो जाता है और उसके सर पर मारकर उसके खोपड़े निकाल देता है और उसका दिमाग खाने लगता है और अपनी जीत को चिल्लाकर सेलिब्रेट करता है।
नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसको एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर आकर उन पर हमला करने लगता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है, तभी एलेक्स एक लकड़ी लेकर थ्री फिंगर को मारने लगती है और उसके अंदर पूरा गुस्सा आकर उसको मार देती है। फिर एलेक्स और नेट वहां से ट्रक लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता। वह फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिनसे उनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सीधा जाकर पेड़ पर टकरा जाता है। इसी कारण ट्रक में आग लग जाती है। इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है। वह दोनों को ट्रक से बाहर निकाल देता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से आकर नेट को पकड़ लेता है। नेट उसी का टूल पकड़कर उसके ऊपर घुसा देता है और उसे ट्रक पर दे मारता है। तभी फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है। नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। वो कोई और नहीं होता, वो ब्रैंडन था, जिस पर विश्वास कर उसने उसको रिहा कर दिया था। ब्रैंडन वहां से पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और आदमखोर वहां पर पहुंच जाता है और ब्रैंडन को भी मार देता है। किसी को भी नहीं पता चल सका कि वह आदमखोर कौन था। यही पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।